अच्छा लगता है देख के भाइयों को कि इसी तरह मतलब कामयाबी के सीढ़ी पे धीरे धीरे एक एक करके सब चढ़ते जा रहे हैं। तो यही चाहूँगा कि जिस तरह से मतलब मुकाम पे अपने पहुँचते जा रहे हैं उसी तरह से बस आगे बढ़ते रहे। मेरी दुआ रहेगी अल्लाह से कि और आगे जाए इंशाल्लाह। मेरा क्योंकि मैंने इतना देखा हूँ क्योंकि का एफर्ट कि हाँ अदनान भाई लोग को कोई भी चीज़ रहती है, कोई भी मतलब जैसे रिसेंटली आप लोग ने देखा रहेगा फैम जैम हो गया और काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसी रहती है। सिर्फ फैम जैम ही नहीं, फैम जैम तो एक मतलब हैप्पी वाइब हो गया। जब ऐसे काफ़ी सिचुएशन आ जाती है जब कोई नहीं रहता है तो कोई साथ खड़े रहने वाले क्योंकि रहते हैं, मैंने ये देखा हूँ भाई लोग के साथ। बाकी कोई तो रहता नहीं है साथ, बाकी क्योंकि रहती है एनी टाइम साथ। टीम 07 को बनाने के लिए मेहनत, एक्चुअली ऐसा है कि बनाने के लिए मेहनत नहीं है, वो एक्चुअली उनकी यूनिटी है जो उनको यहाँ तक लेके आई आज। क्योंकि यूनिटी स्ट्रेंथ, अगर देखो आप एक कांडी को अगर तोड़ोगे तो नहीं टूटेगी, बंच ऑफ कांडी को तोड़ोगे तो नहीं टूटेगी और एक कांडी को तोड़ोगे तो टूट जाएगी। तो वही है कि मतलब यूनिटी ऐसा है कि यूनिटी आपको यहाँ से एक लेवल पे लेके चले जाता है। वही है कि आज अदनान भाई लोग और टीम 07 पूरा आज इस मुकाम पे आ चुके हैं। मतलब आज के शुरुआत के दिनों की बताएंगे कुछ बात, क्या कब शुरू हुआ था, ये कैसे हुआ था? मेरे सामने तो जब शुरू हुआ था मतलब मैं बाकी भाइयों का उतना नहीं जानता हूँ, अदनान भाई का इतना जानता हूँ कि हाँ अदनान भाई का तो बहुत कुछ अभी बताने जाऊँगा तो बहुत हो जाएगा। मतलब जैसे अदनान भाई का ये मैं बोल सकता हूँ कि बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने इस चीज़ के लिए, मतलब पैसा अर्न करने के लिए वो जॉब पे जाते थे 9 to 5, मतलब जैसे वाला जो ऑफिस जाते प्रॉपर वाला जॉब रहता है। फिर छोटे छोटे मतलब ठेले लगाते थे, मतलब सिम कार्ड बेचते थे, फ्रूट बेचते थे, कुर्ते पैजामे ये सब चीज़ें बेचते थे, मतलब उनका मैं ये बोल सकता हूँ। और फैसू भाई का पता है, मैं स्कूल से आते आते उनसे मिलता था जब वो क्रोमा बैंड्रा में ग्लोबस के सामने एक शॉप था, वहाँ पे कपड़े का सेलिंग कर देते तो मैं उनसे मिलता था। तो ये सब भाई लोग अच्छा लगता है देख के कि एक मतलब कहाँ से आज कहाँ पहुँच रहे, तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि आज इस मुकाम पे पहुँच गए। टिकटॉक के वक्त मायूसी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलता है। तो बस यही उम्मीद पे, और जब अपने पास कलाकारी है और जब हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी, वो अपने अंदर एबिलिटी है वो चीज़ करके दिखाने की, तो स्टेज तो अपने को कहीं भी मिल जाएगा। मतलब जो एक प्लेटफॉर्म होता है वो हमें कहीं भी मिल जाएगा, तो उससे कुछ इश्यू नहीं हुआ। बस इतना है, देखो ना टिकटॉक नहीं है तो आज इंस्टा पे मचा रहे अदनान भाई और मतलब फैज भाई, फैसू भाई, हसनैन भाई, सद्दू भाई, पूरी टीम 07। आप क्या करते हैं? मैं एक रैपर हूँ। तो करके दिखाएंगे आप थोड़ा सा? मैं कोई मेरे लिखे हुए गाने सुनाता हूँ। हाँ कोई भी। हाँ, करता जो बातें हक की सारे सच्ची क्या पाबंदी, चलता हूँ रस्ते जब भी लेते कल्टी वो पाखंडी, गर्मी से ठंडी स्लो या तेजी फ्लो जो मारे पलटी, बढ़ता ये सीन मेरा रैप चलता है इनकी जल्दी। रैप की मार्केट कितनी है आजकल, बात करें? आज ऐसा है कि रैप तो हर कोई कर रहा है, बट प्रॉपर हिप हॉप करना अगर बोलेंगे तो बहुत कम लोग कर रहे हैं वो चीज़, और बहुत कम लोग समझ रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम पे जो चीज़ चाहिए लोगों को वो चीज़ मतलब बहुत उस पर एफर्ट नहीं है। कलाकारी के अगर नज़रिए से देखें तो उसमें उतने एफर्ट नहीं लग रहे, उसमें पैसे ज़्यादा लग रहे और वो सब चीज़ें। और मैं ऐसा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं कलाकारी के हिसाब से उसमें एफर्ट ज़्यादा डालूँ। क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाले आपके? मेरे अभी प्रोजेक्ट अगर मैं बोलूँ तो अभी एक मजाक करके गाना है मेरा जो अदनान भाई हम लोग सब लोग पूरे ग्रुप अभी रिसेंटली शूट करके आए टर्फ पे। तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं अभी आने को, प्रोजेक्ट बचा है, बट ये वाला जो है अभी ये रिसेंट आ रहा है, मजाक नाम है इसका। आपका पूरा नाम? डी अब्दुल। डी अब्दुल। थैंक यू।